कॉल रिकॉर्डर, ऐसे कॉल रिकॉर्डर आज के तारीख में पाना एक बहुत ज्यादा ही मुश्किल बात हो चुके हैं। तो जैसे कि कुछ दिन पहले हमने आपको बताया थे बेस्ट कॉल रिकॉर्डर फॉर योर एंड्रॉइड डिवाइस इन 2023, यानी 2023 साल में आपके लिए बेस्ट इन कॉल रिकॉर्डर कौन सा होगा। तो उनमें से एक कॉल रिकॉर्डर ऐसा था जिसका नाम था RMC कॉल रिकॉर्डर। लेकिन सवाल ये नहीं था, सवाल था आप लोगों का कि ये कॉल रिकॉर्डर जो है इसको हम यूज कैसे करें, इसका सेटिंग कैसे करें। मतलब बहुत सारा ऐसा लोग थे जो समझ नहीं पा रहे थे ये बेसिकली काम कैसे करते हैं। तो पूरी तरीके से बेसिक जितना भी चीज है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आज की इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हो आपको 100% नॉलेज मिलने वाले हैं कैसे आप इस कॉल रिकॉर्डर को 100% सेटिंग कर पाओगे और कौन से सेटिंग करने पर क्या क्या फायदा आपको मिलने वाले हैं। तो हेलो गाइस, आप सभी देख रहे हैं स्टार्क टेक्नोलॉजी, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं बेस्ट बजट मोबाइल एंड सीक्रेट एंड्रॉइड एप्लीकेशन के बारे में। और मैं हूं आपके साथ हमेशा की तरह रोनी स्टार्क। आपकी वक्त की बर्बादी बिल्कुल नहीं करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकॉर्डर जो एप्लीकेशन है ये फोन के ऊपर है, मतलब हमारे मेनू बार पे है। इसको ओपन करेंगे, जैसे ओपन करते हैं सबसे पहले यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है। यहाँ पे अलाउ जैसे ही करते हैं, अलाउ करने के बाद यहाँ पे आपके सामने मैंने पिछले इंस्टॉल करके रखे थे, इसी वजह से मेरा रिकॉर्डिंग जो मतलब जितने भी रिकॉर्डिंग था वो सारे के सारे यहाँ पे दिखा रहे हैं। इसको अगर हम चाहे तो यहाँ पर से प्ले कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर और एक बार आपको अलाउ करना है आपके कॉन्टैक्ट के, उसके बाद ओके कर देना है एंड देन यहाँ पर आपको एक बार अपने एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर लेना है। ठीक है, अब हो गए यहाँ पर हम पहली दफ़ा में क्या क्या करेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट के अंदर आएंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है, अगर आपके पास ड्रॉपबॉक्स अकाउंट है अपने, मतलब जितने भी कॉल रिकॉर्ड हमने यहाँ पे किए हैं इन सारे कॉल रिकॉर्ड को ऑटोमेटिकली अगर हम गूगल ड्राइव या फिर ड्रॉपबॉक्स पे अपलोड करना चाहें तो यहाँ पे ड्रॉपबॉक्स का हमारा जो आईडी होगा, तो यहाँ पे अकाउंट के अंदर आगे कनेक्ट अकाउंट लिखा होगा, यहाँ पे इंटरनेट को ऑन करके हमें कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो है ये वाला सेक्शन है इसको हमें लाजमी इनेबल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप चाहते हो आपके कॉल रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हो रहे तो यहाँ पर सिंक्रोनाइज नाउ ये जो बटन है इसके ऊपर एक बार इंटरनेट ऑन करके टैप करना है। बस हो गया ये आपका ड्रॉप बॉक्स का काम। अब बात करते हैं गूगल ड्राइव का। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा ड्रॉप बॉक्स सेटिंग हो चुका है। अब हम लोग गूगल ड्राइव के ऊपर सेटिंग्स के ऊपर आके क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे हमें गूगल ड्राइव कनेक्ट करना है, उसके लिए भी सेम प्रोसेस है, हमें इंटरनेट को ऑन करना है। अब बेसिक चीज मैंने आपको सिखा दिया कैसे ऑटोमेटिकली आप अपनी कॉल रिकॉर्डिंग फाइल को अपलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका और तगड़ा सेटिंग्स के बारे में। जैसे कि यहां पर अगर हम क्लिक करें तो सबसे पहले हमें दिखने को मिलते हैं सेटिंग्स वाला सेक्शन। यहां पे क्लिक करने के बाद रिकॉर्डिंग, यहां पे एक्टिवेट सर्विस के ऊपर आपको क्लिक कर रखना है एंड उसके बाद आपको दिखने के लिए मिल जाएंगे यहां पे शो मैनुअल रिकॉर्डिंग नोटिफिकेशन, इसको आपको ऑफ कर देना है। मतलब जैसे ही आप इसको ऑफ करोगे, जैसे ही कॉल रिकॉर्ड करोगे तो ऊपर आपको नहीं दिखाएंगे कि भाई आपके कॉल रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो उसके बाद यहां पर आपको शो नोटिफिकेशन, इसको भी आपको डिसेबल कर देना है ताकि आपके जो नोटिफिकेशन ऊपर की तरफ दिखाते हैं वो नहीं दिखाएं। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखने के लिए मिलता है मैनुअल रिकॉर्ड। ये देखिए ये आज के टाइम पे उतना ज्यादा काम पे नहीं आते, पर्टिकुलर किसी की नंबर का कॉल रिकॉर्ड, अगर एक ही नंबर का कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हैं ये लोग यूज नहीं करते हैं, इसको छोड़ते हैं। एंड यहाँ पे हमें दिखने के लिए और भी सेटिंग्स मिलते हैं, जैसे कि इंटरफेस के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने के ऑप्शन मिलते हैं। नाइट मोड को आप एनेबल कर सकते हो, ऑटो करोगे तो दिन के टाइम पे ये व्हाइट रहेंगे, रात के टाइम पे ब्लैक हो जाएंगे। यहां पे इनेबल करने पर आपके जो एप्लीकेशन है वो कुछ इस तरीके की दिखाएंगे। उसके बाद यहां पे आपको इंटरफेस के अंदर फिर से आना है, यहां पे आपको दिखने के लिए मिल जाएंगे आपके जो टाइमिंग है 24 आवर फॉर्मेट या फिर कोई भी फॉर्मेट में, मतलब किस टाइम पे आप रिकॉर्ड किए थे वो टाइम यहां पे दिखाते हैं, तो उसको आप यहां पर क्लिक करके चेंजेस कर सकते हैं। उसी के साथ यहां पे ट्विक्स के अंदर आना है। यहां पे आने के बाद आपको यहां पे कंप्लीट बहुत सारा ऑप्शन दिखने को मिलते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं जैसे कि अगर हम यहां पे क्लिक करें तो ऑडियो सोर्स दिखने को मिलता है। बहुत लोग कहते हैं भाई मेरा अपना वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है लेकिन जो कॉल कर रहे हैं उसका वॉइस नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब आगे वाला बंदा का वॉइस नहीं आ रहा है। तो यहां पे आप माइक्रोफोन पहले सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद फोन कॉल, उसके बाद डिफॉल्ट, उसके बाद वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, ये 3-4 सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि ये अपडेट जब से आए हैं ना एंड्रॉइड के ऊपर कॉल रिकॉर्डर, हर एक कॉल रिकॉर्डर ढंग से नहीं काम कर रहे हैं। तो यहां पे थोड़ा सा आपको इधर उधर करना है, उसके बाद अपने फोन के हिसाब से आपको चूज करके रखना है। ऐसा नहीं है ये कॉल रिकॉर्डर हर एक फोन पे बखूबी से चलेंगे, क्योंकि
अभी अपडेट आ चुका है, हर एक कॉल रिकॉर्डर हर फोन पे नहीं चल रहे। तो उसके बाद हमें दिखने के लिए मिलते हैं रिकॉर्ड ऑन कनेक्ट, इसको इनेबल करके रखना है। इंक्रीज वॉल्यूम, इसको भी इनेबल करके रखना है ताकि जो भी बात करे या फिर आप जो बात कर रहे हैं वो क्लियर रहे, अब समझ पाओ। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखने के मिलते हैं स्पीकर मोड, यहाँ पे आप ऑटो करके रखे, नन नहीं ऑटो करके रखना है। इम्प्रूव कॉल डिटेक्शन, इसको भी आपको इनेबल कर देना है। उसके बाद ऑडियो फॉर्मेट के ऊपर आना है, यहाँ पर मेरे ख्याल से WAV ये सिलेक्ट करके रखना ताकि आपके जो क्वालिटी है बहुत ही कमाल के मिले कॉल रिकॉर्डिंग के। चैनल के ऊपर आना है, मोनो सिलेक्ट करके रखना है एंड यहाँ पे सैम्पल रेट सब कुछ जैसा है वैसा रखो। अगर आपके कॉल रिकॉर्डिंग वॉल्यूम बहुत कम आ रहे हैं तो DV थोड़ा सा यहाँ पर से आप लोग इसको बढ़ा सकते हो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसके बावजूद प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे रिसेट बटन दिखने को मिलते हैं, यहाँ पे क्लिक करके सारे के सारे मतलब जो भी सेटिंग्स आप गलत चलत कर दिए थे उसको पहले जैसे कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे और भी सेटिंग्स के बारे में, जैसे कि सिक्योरिटी के स्टोरेज के अंदर आते हो तो यहाँ पे आपको दिखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऑप्शन है लेकिन जो आपके काम पे आएंगे वही हम आपको बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको पाथ दिखने को मिलते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो है आपका पाथ है, ये पाथ के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप अपने हिसाब से कोई भी फोल्डर के ऊपर अपने कॉल रिकॉर्डर को सेव करके रख सकते हो, मतलब ऑटोमेटिक वहीं पे सेव होंगे। जैसे ही कंप्लीट करोगे ऊपर टिक बटन दिखने को मिलते हैं, यहां पे क्लिक करके इसको इनेबल कर लेना। उसके बाद यहां पे आपको दिखने को मिलते हैं बैकअप सेटिंग, अगर आप मतलब फोन को रिस्टोर करना चाहते हो, एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना चाहते हो, यहां पे क्लिक करके आप बैकअप ले सकते हो, अपने गूगल ड्राइव या फिर ड्रॉपबॉक्स में ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएंगे आपके सारे के सारे कॉल रिकॉर्डिंग। उसके बाद यहां पर और भी सेटिंग्स दिखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही कमाल के सेटिंग्स है, इसके बारे में हम और भी डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे लेकिन एक वीडियो में कवर करेंगे तो मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन जितना हो सकता है आपको बताने की कोशिश करेंगे। सेटिंग्स के अंदर आओ, सिक्योरिटी के अंदर आओ, यहां पे आने के बाद पासकोड दिखने को मिलते हैं, यहां पे अपने हिसाब से कोई भी पासकोड लगा लो, जैसे कि 4x0 में लगा लेता हूं। उसके बाद यहां पे जैसे ही हम लोग यहां पे क्लिक कर देंगे, अब देखो यहां पर हमारा ऑटोमेटिकली लॉक, यहां पे हमें एक मिनट इमीडिएटली कर देते हैं। इमीडिएट करने के बाद मैं आपको बता देता हूं हाइड एप्लीकेशन, यहां पे आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं एप्लीकेशन हमारा यहां पे है, अब देखो ये ऑन स्क्रीन में कर रहा हूं, 2:33 अभी टाइम हो रहा है। आप लोगों को नहीं बोलोगे कि वीडियो कट करके लगा दिया, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ये देखो एप्लीकेशन है अभी भी है। अब देखो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली गायब हो चुका है, अभी भी टाइम वही हो रहा है। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप जो है यहाँ पे एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हो। एक चीज़ मैंने आपको बताना ही भूल गया था, देखिए एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए यहाँ पर लिख कर आ रहे हैं कि ये एप्लीकेशन जैसे आप हाइड कर दोगे इनविजिबल हो जाएंगे, पूरा फ़ोन से गायब हो जाएंगे। उसके बाद दोबारा ओपन करने के लिए आपके डायलर पैड पे जाना है, वहाँ पे **, और आपने जो पासकोड यहाँ पे लगाया था, जैसे कि मैंने 4x0 लगाया था, 4x0 देकर *** देना है और उसके बाद कॉल बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही करोगे यहाँ पे ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगे। अगर उसके बावजूद नहीं हो रहे हैं तो आपको एक बार फोन को रीस्टार्ट करना है, उसके बाद एक बार ट्राई कर लेना है। तो ये थे सारे के सारे सेटिंग्स इस कॉल रिकॉर्डर का, इसके अंदर जो भी सेटिंग्स मतलब बेसिक तौर पर लोगों को पता होना चाहिए वही मैंने आपको कवर करके बताया, और इसका डेडिकेटेड वीडियो में हम लोग आपको दिखाएंगे इसको कैसे हाइड कर सकते हो प्रॉपरली, कैसे अनहाइड कर सकते हो, उसके लिए वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएंगे। एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ये कॉल रिकॉर्डर जैसे कि मैंने आपको बताया था हर मोबाइल पे काम नहीं करेंगे, तो मैं आपको रिक्वेस्ट जरूर करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग सीक्रेट एप्लीकेशन आपके लिए लेकर आते रहते हैं और पिछले दिनों पर हमने top 3 कॉल रिकॉर्डर भी आपके लिए बताए थे। अगर वो वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो लेफ्ट वाला वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं, राइट वाला प्लेलिस्ट पे मैंने आपके लिए ऐसी खुफिया एप्लीकेशन की जानकारी दी है जो आमतौर पर लोग आपको नहीं बताते हैं। बीच वाला गोल बटन दबाकर प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इन फ्यूचर और एक बार हमारा जरूर मुलाकात हो।